नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश की सत्ता पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनकर खड़े देश की जनता में तेजी से लोकप्रिय हो रहे राहुल गांधी की राजनीति को लेकर आज का दिन काफी बड़ा दिन साबित हुआ, जहां राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। हम सभी जानते हैं कि मार्च महीने में राहुल गांधी को उनके 2019 में एक चुनावी रैली में किए गए भाषण में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के चलते सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला भी खाली करवा दिया गया था। बाद में राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए सूरत की कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। फिर हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद आज घटे घटनाक्रम को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए आगे की स्लाइड में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ता द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। ये स्लाइड फर्स्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। आगे की स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी ने जब एंट्री की, उस समय का माहौल है। राहुल गांधी खुद अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पहुंची मुख्यालय में। उसके बाद अगली स्लाइड में सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। बड़ी बात कही राहुल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली स्लाइड में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के फैसले से उत्साहित मुंबई कांग्रेस व अन्य सहयोगी पार्टियों के विधायकों ने मुंबई विधानसभा के सामने देश में आई नई आंधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी के नारे लगाए। अगली और अंतिम स्लाइड में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद में कही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए आप। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। आया जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली
ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती की, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा, चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।